हेलो एव वन सो एफ कैट एग्जाम का डे वन इज ओवर शिफ्ट वन भी हो गई और शिफ्ट टू इज़ ऑल्सो ओवर तो एज यू ऑल नो जी के का जो लेवल था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच पर ही था तो so, चलिए इस छोटे लेकिन बहुत इंपैक्टफुल सेशन में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि जी के से हमें देखने को मिले इन शिफ्ट वन एज वेल एज शिफ्ट टू तो स्टार्टिंग में करना चाहूँगा शिफ्ट वन से

क्योंकि हमें ओलंपिक फ्लैग्स के बारे में तो पता होता है लेकिन अक्सर हम लोग इतना ध्यान से देखते नहीं उसको कि हमें पता हो कि भाई पहले ब्लू आती है फिर येलो है फिर ब्लैक है फिर ग्रीन है और फिर रेड है कहने को तो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है लेकिन ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा थोड़ा सा मुश्किल ये क्वेश्चन था शिफ्ट वन का क्वेश्चन है देन वी हैड मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन जो कि आप सबको कई बार बताया गया था एक्साइज वरुणा जो कि फ्रेंच के साथ नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा ट्राई सर्विसेज एक्साइज रशिया के साथ इंडिया करता है मैत्री इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज विद थाईलैंड एंड गरुड़ शक्ति इज विद इंडोनेशिया तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग के अंदर भी इस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं कमिंग नेक्स्ट वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन द लार्जेस्ट इकोसिस्टम विच इज देयर ऑन द अर्थ विच ऑफकोर्स यू नो दैट इज हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम में आता है देन वी हैव वे आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड न्यूज एजेंसी लोकेटेड जो कि हमारी कैपिटल यानी कि न्यू डेली में लोकेटेड है वी आर अ क्वेश्चन ऑन द ऑथर ऑफ द प्ले अंधेर नगरी चौपड़ राजा जो है भारतेंदु हरीश चंद्रा ये जो प्ले है काफ़ी ये आ, मतलब जब अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करो बहुत पॉपुलर है और आपने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा या सुना ज़रूर होगा

इटली में बहुत ही फेमस है आपको पता होगा सदन पार्ट ऑफ द इटली में सिसली है वहीं पे वी फाइंड दिस वॉल्केनो गांधी जी ने सिर्फ एक सेशन को प्रिसाइड किया अपनी पूरी लाइफ में एंड दैट वाज द बेलगांव सेशन ऑफ 1924 तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है अगर इस शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आया है आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और कांग्रेस के सेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है देन हमारे पास कुछ बहुत बड़े किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले जो दिग्गज हैं उनका नाम था जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं उस्ताद विलायत खान सितार के साथ जुड़े हैं अमजद अली खान सरोद के साथ जुड़े हैं और वीजी जोग वायलिन के साथ जुड़े हैं इस तरह का भी हमारे पास पेयर्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो क्वेश्चन साथ के साथ देखते रहें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि ये सेशन आपको कितना ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है सब लोगों को एनी एक ऐसा प्रोब है जो सैटन को स्टडी करने के लिए भेजा नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके उसका नाम क्या है हाइगेंस बहुत फेमस है ये प्रोब जो कि सिर्फ नासा नहीं बाकी स्पेस एजेंसी ने भी मिलके ये किया है पूरा इसको तैयार तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एनीवेज ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है क्वेश्चन वी क्वेश्चन ऑन अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स में बहुत शानदार क्वेश्चन आया क्वेश्चन फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट किस पे है एंटी डिफेक्शन लॉ पे है पंचायती राज पे है राइट टू एजुकेशन तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिपेयरिंग फॉर इवन एफकेट एग्जामिनेशन आपको अमेंडमेंट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए एनीवेज इंडिया में कितने सिस्मिक इन टोटल फोर जोन्स इन इंडिया तो अगर सिस्मिक जोन्स की बात आए तो चार सिस्मिक जोन्स हमारे भारत में लोकेटेड है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है जो बहुत न्यूज में भी रहा उसका नाम क्या है द नेम इज समयुक्ता तो समयुक्ता इज द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विच वी हैव इन इंडिया एनी वेज दे वॉज अ वेरी फाइन क्वेश्चन कि भाई टेरिटोरियल आर्मी का मोटो क्या है वॉट इज़ अ मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी सो मोटो इज सावधानी व शुरता तो सावधानी व शुरूता मोटो है हमारी टेरिटोरियल आर्मी का एक क्वेश्चन था कि एक डिस्ट्रिक्ट जिसको अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सिलेंस ऑन पब्लिक एडमिन 2021 तो इट वाज़ दतिया विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश यानी कि एम सो आई एम श्योर इन क्वेश्चन को देख के आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ Questions जो है, वो किए जा सकते हैं अगर आपको उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं उस हिसाब से पढ़ते हैं यू कैन श्योरली टैकल ऑल एक फाइटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफे सिस्टम एंड एबिलिटी टू कैरी द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है हमारा फेवरेट सुखोई तो सुखोई जो है उसके पास एक केपेबिलिटी है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे बेस्ड हेडक्वार्टर दैट इज नीदरलैंड On which river is Washington D.C. situated? It is Potomac River. Again, these are the kind of the questions which I am sure you all have studied, you all have prepared. By chance, अगर आपने एक बार भी revise किया है, तो आप एग्जाम में बढ़िया से कर सकते हैं. Anyways, आज ही ये तो shift one के questions हुए. Shift two में किस प्रकार के questions आए हैं? What all are the questions we have in shift two? उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं. एक क्वेश्चन था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है तो आंसर इज गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रेसिडेंट होगा कि गवर्नर होगा याद रखेगा रिमूवल की अगर बात करता तो मैं प्रेसिडेंट जरूर बोलता सही है लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट की बात की है बेटे तो इट इज गवर्नर विच वाइस रॉय वॉज असैसिनेटेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड आई थिंक आप सबको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो अगर एटीन की बात है लॉर्ड मयो को शेर अली आफरी ने असैसिनेट किया है वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एनी वेज विच वैली हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल इन इंडिया दैट इज दामोदर वैली जून में हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इनवायरमेंटल डे इसकी थीम क्या रही द थीम इज ओनली वन अर्थ सो ओनली वन अर्थ थीम है प्रचंड के अंदर भी हमने इसको किया था सो आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस एनीवेज स्पोर्ट्स की टर्म थी रेगाटा रेगाटा कौन सी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा है कौन सी गेम के साथ जुड़ा है तो रोइंग या फिर आप बोट रेस आप कह सकते हो इसके साथ दिस टर्म इज एसोसिएटेड श्रीलंका की कैपिटल क्या है ऑफ कोर्स कोलंबो है श्री जयवर्धनपुरा कोटे है दीज आर द कैपिटल्स ऑफ श्री लंका श्रीलंका बहुत न्यूज़ में रही है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है मूविंग अहेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बायोग्राफी लिखी अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थी इट इज रिटन बाय चंद्रचूड़ घोष यूरेनियम 235 जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है वो किसकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है तो जो भी रॉक्स होती हैं उसकी एज हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे तो इसकी हाफ लाइफ वगैरह को कैलकुलेट करते हैं उससे एनी वेज विच द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जैसे रेडियो वेव्स की तो बहुत ज्यादा होती है शॉर्टेज किसकी होती है गामा रेस की होती है सो गामा इज द राइट आंसर पिचर इज अ टर्म जो कि किस गेम के साथ किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करती है इट इज एसोसिएटेड विद बेसबॉल जो एक प्लेयर बॉल को फेंक रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पिचर इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो पूछा जैसे शिफ्ट वन में टेरिटोरियल आर्मी का पूछा था शिफ्ट टू में कोस्ट गार्ड का पूछ लिया दैट इज वयम मह प्रोटेक्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको बांग्लादेश के साथ करता है इंडिया दैट इज एक्सरसाइज संप्री वेरी इंटरेस्टिंग एयरफोर्स एक टेक्टिकल लिफ्टर यूज करता है विच एयरक्राफ्ट इज दिस लॉकट का सी वन थर्टी जे द प्लेन आई थिंक हर्किल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा ऑप्शन देख के चूज करना इतना तो मुश्किल नहीं रहा होगा यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसमें रिसेंटली ऐड हुआ है क्या ऐड हुआ है दुर्गा पूजा हैज बिन एडेड टू दिस वेरी प्रेस्टीजियस वेरी स्पेशल लिस्ट एक किताब है स्प्रिंगिंग टाइगर विच बीन रिटन ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज ये किसने लिखी है कर्नल एच टॉय ने ये किताब लिखी है ने ये किताब को लिखा है ए मेरे वतन के लोगों जो 26 जनवरी 1963 को गाया गया था इसके लेखक कौन है इसके लेखक है कवि प्रदीप तो यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कभी भी लता मंगेशकर जी ने इसको गाया जरूर है लेकिन लिखा है इसको कवि प्रदीप ने जो कि इंडिया चाइना वॉर के बाद मुराल बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस गाने ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक अभिदम पिटक सुत पिटक जो है वो किसने लिखा है मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया है सो वी हैव सीन पाली ज द लैंग्वेज जिसके अंदर जो बुद्धिस टेक्स लिखा गया लैंग्वेज ऑफ द मासिस ये सबसे आसान क्वेश्चन था ओ टी ए नेशनल डिफेंस कॉलेज आई एम ए एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर बेस्ड है सो आई थिंक ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं यू ऑल नो अबाउट दिस प्रस्टिजियस अकेडमीज़ तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए बहुत ही प्रॉपर तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन विच है ऑन द डे वन ऑफ द एफकेट एग्जाम चाहे वो शिफ्ट वन हो चाहे वो शिफ्ट टू हो सभी के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने शेयर किया है आपके साथ इस सेशन को अगर आपको पसंद आया हो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइए कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है पेपर और आपको ये सेशन कैसा लगा थैंक यू सो वेरी मच जय हिंद ऑल द बेस्ट